हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज दोस्तों, आज मेरे बच्चे लोग, आज भी रोजा है तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, उड़ीद दाल है, ये उड़ीद दाल है, इसको भिंगा दी थी, ये धुला उड़ीद है, भींग गया है 3-4 घंटा। और ये देखिए, प्याज और हरी मिर्ची काट के रख लिए है, और ये जार में थोड़ा सा अदरक भी काट के रख ली हूँ, देखिए दोस्तों। और इसी में ना ये अच्छे से धो लिए थे भिंगाने से पहले, इसको पीस लेंगे। अब इसका बड़ा बनेगा दोस्तों आज अफ्तारी में। और इधर मैं सान के रख ली हूँ गुलगुल्ला के लिए आटा, घोल के रख लिए हैं चावल आटा और गेहूं आटा मिक्स है दोस्तों, और इसको भी बनाएंगे, इसको पीस लेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, पीस लिए हैं, अब इन लोग को अभी साइड में रख दे रहे हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे शरबत दोस्तों। देखिए, इसमें शक्कर भिंगा के रख दी थी पहले से, और इसमें चक्कू को धो लूंगा। शरबत को घोल लेंगे और फ्रिज में रख देंगे, 2 गिलास शरबत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तरबूज काट रहे हैं, इसको भी काट के फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। और शरबत बना लिए हैं, दोनों को रख देंगे फ्रिज में जब तक, फिर उसके बाद बड़ा और गुलगुल्ला बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें प्याज अदरक उसी में पीस दिए थे दोस्तों, हरी मिर्ची डाल दिए हैं, उड़ीद दाल का बड़ा बना रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार। देखिए दोस्तों, अच्छे से फेंट लिए हैं और हल्का हो गया। देखिए, अब इसको बड़ा बना लेंगे। दोस्तों, ये बहुत चिपचिपा होता है, हाथ में चिपक जाता है, बड़ा का आकार नहीं आ रहा था, तो फिर पानी ले रहे हैं। जैसे मैं हाथ को जल्दी छोड़ देता है दोस्तों, तो ये हाथी में चिपकने लगता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है ना सोनू? हाँ। देखिए दोस्तों, बन गया है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फुल्ला फुल्ला बना है दोस्तों, अच्छा से फेंटे की तरह फूल गया है। देखिए दोस्तों, अब गुलगुल्ला बना रहे हैं, देखिए दोस्तों, अब तरी अब बन गया है। देखिए, अब गुलगुल्ला भी बन गया है, ज्यादा नहीं बनाया दोस्तों गुलगुल्ला, ये मीठा है। गैस बंद कर देंगे दोस्तों। देखिए, इधर भी इतना बना लिया है और गुलगुल्ला इतना है, और उसमें भी देंगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा अफ्तारी। देने के लिए निकाल ले रहे हैं दोस्तों,
खजूर है दोस्तों, केला, दे के आएंगे नीचे पड़ोसी को। देखिए दोस्तों मैं पड़ोसी नीचे दे के आ रही हूँ पड़ोसी को। आज के ब्लॉग यही खत्म कर रहे दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।